Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you're watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 31st of July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so first of all, as you all know, hum start karte hain quotation se. So the line is, a winner is the dreamer who never gives up. विनर वही होता है जो सपने देखता है और सपने वही देखता है जिसमें इतनी ताकत होती है जो उसे पूरा कर सके, और वो इंसान जो कभी गिव अप नहीं करता वही हमेशा विनर बनता है. ओके, वो ड्रीमर, वो पर्सन जो ड्रीम करता है लेकिन बिना गिव अप किए, तो वही पर्सन हमेशा विनर बनता है. सो इट इज़ थ्योरी जो आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेनी है, दैट यू डोंट हैव टू गिव अप. आपका जो ड्रीम है आप उसे फुलफिल करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली बी अ विनर. ओके, नो मैटर आप गोल अचीव कर पाते हैं नहीं, आप विनर ज़रूर हैं बिकॉज यू ट्राइड वेल, और एक नहीं तो दूसरे गोल के अंदर तो आप ज़रूर हिट करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस. इंडिया नाउ हैज़ फिफ्थ हाइएस्ट COVID-19 फैटलिटीज़ इन द वर्ल्ड. 7 डे रोलिंग एवरेज निकाला गया है डेली केसेस के बेसिस पर, तो करीब 50,000 केसेस डेली बेसिस पर जो निकल रहे हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, और एपी और यूपी मतलब आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है वो अपने आप में टॉप कर रहे हैं, और हम लोग फिफ्थ हाईएस्ट केसेस कैरी करने वाला जो कंट्री है वो बन चुके हैं. वायरल ट्रैकर की अगर बात करूँ तो करीब 786 COVID-19 जो डेथ्स है वो रिकॉर्ड की जा रही है डेली बेसिस पर. थर्सडे को रिकॉर्ड की गई है 786, है ना, और करीब करीब 50,000 हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं. सरप्राइजिंगली अब जो है बहुत बहुत हाई स्पीड में स्प्रेड हो रहा है COVID-19, और अब उसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इफ़ वी ऑल नो दैट वी डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज़ जो एक डेवलप्ड कंट्री में मैनेज करने के लिए होती है सिचुएशन को, है ना. एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि यूरोपियन जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी ने अपने लेवल पे मैनेज कर दिया, और भी कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे था लेकिन वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डेवलप्ड एंड दे कैन मैनेज इट एंड दे हैव द गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़ एट ऑल. बट वी डोंट हैव दैट मच फैसिलिटीज़ और दैट मच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल. सो वी हैव टू वर्क ऑन वॉट वी कैन डू, एंड वी कैन डू इज वी कैन स्टे होम, वी कैन डू अ सिक्योरिटी, वी कैन फॉलो द सिक्योरिटी मेजर्स फॉर अस, वी कैन गो थ्रू द सिचुएशंस एंड वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर सेल्फ फॉर आर फैमिलीज. ओके, सो डोंट टेक इट लाइटली और बी सेफ, स्टे एट होम, जितना ज़रूरत है आप उतना ही बाहर जाइए, लेकिन अवॉइड कीजिए सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, सब कुछ यूज़ कीजिए, आप जितना हो सकता है उतना यूज़ कीजिए, बट ऑलवेज बी सेफ. कोशिश कीजिए कि आप उन एरियाज़, गैदरिंग वाले एरियाज़ को अवॉइड करें, और अगर जाते भी हैं तो मास्क एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में जाएँ, और जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो, गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस इशू कर रही है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप जो है सेफ जो है बाहर निकल सकते हैं. सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच फैसिलिटेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़ एट ऑल. सो प्लीज़ बी अवेयर एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. ओके, और सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय बन जाता है कि हम लोग जो है इस लेवल पे बढ़ते चले जा रहे हैं. जैसे कि महाराष्ट्र की कंडीशन देखिए आप, वहाँ पर भी पर डे केसेस 11,000 क्रॉस कर रहे हैं, और भी कई सारे जैसे कर्नाटका की केस को देखिए आप, हर जगह पर कंटिन्यू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरी कंडीशन है. सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. ओके, सो दैट आप लोग इसकी चपेट में ना आए और हम लोग इजीली इससे बाहर निकल सकें. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हार्दिक शाह टू बी प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम, आईएएस ऑफिसर विल रिप्लेस राजीव टोपनो. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हार्दिक शाह को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी जो है नया नियुक्त किया है, और इन प्लेस ऑफ राजीव टोपनो के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है. राजीव टोपनो जो है सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किए गए जा चुके हैं पहले,
और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन डीसी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके सीनियर एडवाइज़र के रूप में कार्य कर चुके हैं राजीव जी, और उनके स्थान पे जो है मिस्टर शाह को अपॉइंट किया गया है। मिस्टर शाह हैज़ बीन डेप्यूटी सेक्रेटरी इन दी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सिंस लास्ट अगस्त। अगस्त से वो जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी भी है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। एंड जीपीसीबी ऑफिशियल मिस्टर शाह वाज इवेल्युएटेड एट टू दी एलाइट आईएएस इन 2015 थ्रू सेलेक्शन व्हेन ही वाज मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। जीपीसीबी के जो है मेंबर थे वो पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के, और वो 2015 के अंदर एज एन आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट हुए एलाइट आईएएस ऑफिसर के रूप में। एंड देन नाउ वो अब हार्दिक शाह जी जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन चुके हैं पीएम के, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके एंड नाउ आंध्र प्रदेश टू कोलेबरेट विथ अमेजन वेब। स्टेट मिनिस्टर ऑफ सॉरी फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, या व्हाट इज इट ट्रेनिंग, मेकापति गौतम रेड्डी हेल्ड डिलिब्रेशंस विथ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS जो है वाया अ वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग के दौरान थर्सडे को ये डिसाइड हुआ कि वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रमोट करेगी स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू जो है स्टेट के अंदर उनको सपोर्ट करेगा अमेजॉन वेब। ओके तो दोनों के बीच में कोलेब्रेशन देखने को मिलेगा। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट। AWS ने जो प्रोवाइड किया है वो है विजन फॉर आंध्र प्रदेश एंड कमिटमेंट्स पर बेस्ड है इन्वेस्टमेंट्स के, जिसके अंदर स्टार्टअप्स या स्किल डेवलपमेंट्स, स्किल इनिशिएटिव्स और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स को फॉलो किया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप्स आर लाइकली टू बी द साइनिंग ऑफ एन MOU विद अ टाइम बाउंड एक्शन प्लान एंड फॉर्मिंग अ स्टीयरिंग कमिटी टू ड्राइव अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज। एड्रेसिंग पार्टिसिपेंट्स मिस्टर रेड्डी ने ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट वॉज ऑलरेडी कोलेबरेटिंग विद अमेजन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलरेडी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है हम लोग कोलेबरेट कर रहे थे और अमेजोन सहेली प्रोग्राम के तहत, लेकिन अब हमने डिजिटल इंडिया और स्किल इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप्स, इन सारे सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। He said the government was making efforts to bring back a large number of Telugu people employed in the field of IT and to strengthen the sector in the state level पे जो है जिन लोगों ने IT sectors में काफ़ी skilled हैं लोग और जो बाहर जाके job कर रहे हैं, दूसरी companies में जो है फर्दर companies में join कर चुके हैं और job कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम उन सभी को वापस अपने state में लेकर आएँ और अपने state का जो infrastructure है उसे strong बनाएँ। ओके अमेजॉन इज़ टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आउट ऑफ दी प्रपोज्ड 30 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इन द स्टेट। स्टेट के अंदर 30 स्किल डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो सेंटर्स जो है लगाए जाएंगे। उसी के साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। सो समवेयर लेट्स सी कि अमेजॉन और आंध्र प्रदेश का ये जो कोलेब्रेशन है वो कितना अच्छा साबित होता है, किस लेवल पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज़ बेस्ड ऑन बैंकिंग ऑन सेरोलॉजी। सेरोलॉजी डिपार्टमेंट की न्यूज़ के ऊपर बेस्ड है ये। रिसेंट सेरोलॉजिकल सर्वे के बेसिस पर साइंटिस्ट ने ये बताया कि COVID-19 का जो स्प्रेड है मुंबई में वो पाया गया है कि पहले तीन लोग जो पांच में से हर तीन लोग जो हैं 50% ऑफ द पीपल, या हम कह सकते हैं जो लोग अफेक्टेड बताए जा रहे हैं स्लम एरिया से, वो 50% एरिया फॉर 50% जो पीपल हैं वो स्लम एरियाज से बाहर आए हुए हैं, मतलब स्लम एरियाज से इफेक्टेड है एंड हैड डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट एज कम्पेयर टू ओनली 60% ऑफ दोज टेस्टेड इन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़। जो लोग रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में रह रहे हैं उनके अंदर इतना एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हो रही है, ओनली 60% अगर कैलकुलेट करें तो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं उनमें से ओनली 60% का डेटा अगर जो है कंपेयर करते हैं हम स्लम एरियाज़ के, तो उतने लोग ही जो है एंटीबॉडीज़ कन्वर्ट कर पा रहे हैं या क्रिएट कर पा रहे हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम दिल्लीज़ सेरो प्रिवलेंस
स्टडी अर्लियर दिस मंथ फाउंड दैट नियरली अ क्वार्टर फॉर दी और क्वार्टर ऑफ दी 21,000 odd samples tested has been exposed to the virus, and some of the densest districts had over 20% prevalence of nearly 7,000 tested in Mumbai. Nearly 61% were slum dwellers and higher prevalence of the virus there showed that as expected. Those living in the densest urban agglomeration were most likely to have been affected by it. A large population of those in whom antibodies were detected, the number are not known, were asymptomatic, and these देखिए अधिकतर लोगों में symptoms नहीं दिखाई दे रहे हैं. जो लोग positive tested हो रहे हैं उनमें maximum लोगों के अंदर जो है symptoms दिखाई ही नहीं दे रहे, and the number are not known, were asymptomatic, and this pointed to the fact that the fatality rate in Mumbai may be as low as 0.05 to 0.10% instead of the existing 5.5%. As per an estimate accompanying the results of the survey, such serological surveys are increasingly being used by states, and Ahmedabad's civic body conducted one to conclude that only 17% of city has been likely exposed to the virus, and Tamil Nadu too is in the midst of conducting such a survey. A dominant theme driving state bodies that commission such survey is to check the level of herd immunity. Immunity level ko check karne ke liye ye survey kiya gaya tha serological department dwara, jiske andar तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अहमदाबाद जैसी सिटीज़ जहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे केसेस आए हैं लास्ट डेज में, तो उन्हें जो है टारगेट किया गया था. और सभी का जो डेटा है, सभी से जो डेटा कलेक्ट हुआ है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. कितने परसेंट तक कितने लोग इफेक्टेड हैं और कितना इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है किन लोगों का, किन एरियाज़ के लोगों का, है ना. सो इट इज़ 4 months सिंस इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट 100 cases. 4 महीने पहले पहली बार जो है भारत ने अपने 100 cases जो है, मई की बात है ये करीब, जिसके अंदर 100 cases जो है पहली बार पाए गए थे. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सर्वे बताता है कि नंबर ऑफ दोज इन्फेक्टेड बाय द वायरस वर मैनी मल्टीपल्स ऑफ दोज दैट हैव वर बीइंग रिफ्लेक्टेड in official confirmed cases statistically. The unrelentingly advance of the virus shows that while it is much less of a killer in aggregate than expected, it spares few from infection. So the virus is not as lethal as originally feared, but is more infectious than previously believed. जैसा हम मान रहे थे कि जितना इन्फेक्शियस कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, इन्फेक्शन जितना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शियस कंडीशंस के बेसिस पे अगर बात की जाए, हाँ जितना डर रहे हैं या जितना फियर्ड हैं हम लोग, उतनी बुरी कंडीशन इस वायरस की नहीं है, उतना डरने की ज़रूरत नहीं. लेकिन इससे जो इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है वो जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा है, है ना. So it is all about it, and we have to take care of ours. The next is a long road. The center will have to convince states that the national education policy benefits all. The national educational policy 2020 announced that by the ministry of human resource development. ये national education policy जो है NEP launch की गई है 2020 आफ्टर अ सर्टेन टाइम, काफ़ी सालों बाद में पहली बार ये पॉलिसी जो है काफ़ी सालों बाद देखने को मिली है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा जो है कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस सिस्टम के अंदर 21st century के अकॉर्डिंग जो गोल्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पर इस पूरी पॉलिसी को फ्रेम किया गया है. In a federal system, any educational reform can be implemented only with support from the state. जब तक states और centers एक दूसरे को support नहीं करते हैं तब तक किसी तरह का कोई educational policy को launch नहीं किया जा सकता. लेकिन इसको launch किया गया है और वो भी इतने major changes के साथ में, इसका मतलब कहीं ना कहीं states भी बहुत अच्छे से support कर रहा है center को. Okay, the policy inter alia aims is eliminated problems of pedagogy, structural inequalities and excess asymptomatic
factories and rampant commercialization. The NEP 2020 is the first omnibus policy after the one issued in 1986 में इशू हुई पॉलिसी के बाद में पहली बार जो है ये पॉलिसी वापस से आई है, जो कि एक ओमनीबस पॉलिसी कह सकते हैं हम इसे. एंड इट हैज़ अ कंटेंड विथ मल्टीपल क्राइसिस इन द सिस्टम. अगर आप बहुत सारे सिस्टम में जो जितने भी मल्टीपल जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं उन सभी का निवारण काफ़ी हद तक इस पॉलिसी में देखने को मिल रहा है. इट इज़ नो सीक्रेट दैट प्राइमरी स्कूल रिकॉर्ड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी. इसमें कोई सीक्रेट या छुपाने वाली बात नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है. बहुत ही पुअर लिटरेसी और नंबरेसी आउट हुई है. एंड ड्रॉप आउट लेवल भी जो है मिडल और सेकेंडरी लेवल पे काफ़ी हद तक देखा जाता है. इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम हैज़ जनरली फेल टू मीट एस्पिरेशंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स. काफ़ी हद तक जो प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए, मल्टीपल लेवल पे जो प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हायर लेवल पे भी देखने को नहीं मिल रही है. इन सभी का निवारण इस एक पॉलिसी के अंदर किया गया है. NEP अपने आप में काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है. अर्ली चाइल्डहुड लेवल पे एजुकेशन स्टार्ट करने से लगा करके एंड तक जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में इस पूरी पॉलिसी को बताया गया है. ऑफर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर. एक साल में दो बार स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशंस को परफॉर्म किए जाएंगे एंड उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी. मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड रेज मैथमेटिकल स्किल्स फॉर एवरी वन. हर किसी की मैथमेटिकल स्किल्स को रेज अप किया जाए एंड शिफ्ट टू दी फोर ईयर अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम है. उसको फोर ईयर पर या डिग्री सिस्टम पर बेस कर दिया गया है, जिसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट किया है. प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड ऑन दी ओके विल टू स्पेंड द प्रोमिस्ड 6% ऑफ GDP एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. पब्लिक एक्सपेंडिचर के तौर पे 6% जो GDP है उसको जो है प्रोग्रेस के लिए या एजुकेशनल सिस्टम के लिए स्पेंड करने की जो विल है वो शो करेगी कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं. The policy also says that whatever possible, the medium of instructions in school until at least class 5. जो लैंग्वेज लेवल पर भी काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं. लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं फिफ्थ लैंग्वेज फिफ्थ स्टैंडर्ड तक एंड अनटिल क्लास 8th एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. दिस इज़ अ लॉन्ग हेल्ड व्यू एंड हैज़ इट्स मेरिट्स. इसके खुद के मेरिट्स भी है. कल्चरल जो है हम कह सकते हैं कल्चरली हम खुद को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या कल्चरली हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है. एंड द लैंग्वेज दैट एनेबल्स अ ट्रांसफर नेशनली एंड इंग्लिश हैज़ परफॉर्म दैट रोल ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स. ओके देर आर सम गुड एलिमेंट्स इन द NEP दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन एंड नीड ओनली एडिक्वेट रिसोर्सेज. सिर्फ एडिक्वेट रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बाकी बहुत अच्छे गुड एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किए गए हैं. Provision of an energy filled breakfast in addition to the nutritious midday meal. And midday meal जो provide हो रहे थे उसमें एक energy filled जो है breakfast का भी provision add किया गया है, जिससे कि better outcome के लिए बच्चों को achieve करने के लिए help मिल सके. Is one creation of inclusion funds to help socially and educationally disadvantaged children pursue education in another where the policy fails to show rigor however is on universalization of access and both in schools and higher educations the right to education needs specific measures to succeed. Moreover the fee regulations exist in some states even now but the regulatory process is unable to rein in profiteering of the form of unaccounted donations. The idea of the higher National Higher Education Regulatory Council as an apex control organization is bound to be resented by states. Similarly, a national body for aptitude test would have to convince the state of its merits. According or among the many imperatives, the deadline to achieve universal literacy and numeracy by 2025 should be a top priority as a goal that will crucially determine
progress as higher level. As you all know that the education system has been converted from 10 plus 2 to 5 plus 3 plus 3 plus 4. दिस इज़ द मेजर चेंज. अकॉर्डिंगली आप जब अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं. फोर ईयर प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएटेड जो हैं उसके अंदर मिड सेशन में जो है अगर आप कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स इशू करवाए जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कोर्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इट विल बी डन. एंड काफ़ी मेजर चेंजेस जो है मिड डे मील्स में और इन सब चीज़ों में भी देखने को मिल रहा है. तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी के साथ सर्वाइव करने वाले हैं आने वाले टाइम में. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, तो समवेयर वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड अ वेरी इनोवेटिव आइडिया टू क्रिएट अ गुड फ्यूचर और गुड आई कैन से यंग जनरेशंस. ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज एन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन. NEP 2020 की ही यहाँ पे बात की गई है. उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, क्या राइट रेसिपीज़ क्या क्या है, एंड व्हाट वी मेक ऑफ इट डिपेंड्स ऑन अस. हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये एजुकेशनल पॉलिसी हम पर डिपेंड हो, या हम इस पर क्यों डिपेंड हैं, हमें इसकी क्या नीड है, और क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, क्या राइट रेसिपी क्रिएट की गई है, उसको लेकर के यहाँ पूरा सारा डिटेल दिया गया है. भास्कर राममूर्ति द्वारा ये दिया गया है जो कि IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं. दे गिव अस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी इसको पूरी तरीके से स्टडी किया है. तो अगर आप जो है इसे स्टडी करना चाहते हैं, रीड करना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन गो थ्रू दी हिंदूज न्यूज़ पेपर ऑफ टूडेज, सो यू कैन गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ओके, और एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी. NEP 2020 आफ्टर अ लॉन्ग ईयर, आई कैन से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है इस तरह की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, एजुकेशन पॉलिसी को. सो डोंट फॉरगेट कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इसके आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लर्न इट. आप नोट्स बनाइए, आप जितने जिस तरह के नोट्स बना रहे हैं उन सबको पढ़िए और उसके बेसिस पर आप यू विल गेट एवरीथिंग, बिकॉज यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. इफ़ यू हैव टू और इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन यू हैव टू डू दिस, बिकॉज इस तरह के एग्जामिनेशंस जो इस तरह के क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. NEP काफ़ी बड़ी है, आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है. इसलिए डोंट फॉरगेट कि आपको एक एक चीज़ इसकी याद करनी है. इसलिए एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, उन नोट्स को ही आप लर्न आउट कीजिए. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस की यहाँ बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो कि अब जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे या लंबे समय तक सिटीजन्स के बीच में देखने को नहीं मिलता है. बट न्यू पॉलिटिकल नॉर्म्स डू डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल. डेमोक्रेसी ट्रबल में है और जो पॉलिटिकल नॉर्म्स के बेसिस पर नए जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को ट्रबल में डाल दिया है, मुसीबत में डाल दिया है. उसी के बेसिस पर ये पूरा आर्टिकल जो है दिया गया है. स्टेइंग द स्पीकर्स एक्शन, स्पीकर के एक्शन की बात की गई है. इसके अलावा असेंबली सेशन को लेकर जो इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट जो है, राजस्थान CM एंड अदर MLAs आर डिमांडिंग फॉर एन अर्जेंट असेंबली सेशन. बट जहाँ पे हम लोग COVID-19 से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के बीच में असेंबली सेशन ऑर्गेनाइज करना अपने आप में, सो हेयर इट इज़ ऑल अबाउट दिस कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो ट्रबल में है और किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस की जो नीड है वो नज़र आ रही है हमें, और किस तरीके से हम इन सब से ऊपर उठ करके पॉलिटिकल इश्यूज़ में फंसते चले जा रहे हैं, क्या पॉलिटिकल जो है सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही है. राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 24 जुलाई को, स्टेइंग दी एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स जो है उसके अगेंस्ट, एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर जो डिमांड की गई MLAs और CM द्वारा कि हमें असेंबली सेशन चाहिए, तो उन सब के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इज़ इन ट्रबल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस आर गोइंग वर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसिंग आर गेटिंग अहेड. सो समवेयर ऑल दीज थिंग्स आर हैव टू बी कंसिडर्ड एंड 21 डे पीरियड इज़ रिक्वायर्ड टू लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज़ द टाइम विच इज़ गिवन एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाट विल बी द
further consequences of it. So let's see what is going to be the next according to this particular situation. Okay, सो हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. इसके अलावा अगर कोई आर्टिकल है जो आपको डिस्कस करना है या आपको लगता है कि उससे इशू है या आप जानना चाहते हैं या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर यू, वी विल डेफिनेटली आंसर यू एंड सॉल्व योर क्वेरीज एट ऑल. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग.